कहो बनवारी लाल और गिरधारी लाल, ये बताओ कि ये जयकारा किस बात का लग रहा है? मालिक, आप जो चौपाल में बैठे हुए हैं, इसी खुदी में हम लोग जयकारा लगा रहे ठाकुर मोरम सिंह की, ठाकुर मोरम सिंह की। सजा हराम के पिल्लो, जयकारा जानता है किसका लगता है? लंबरदार, जयकारा किसका लगाया जाता है? जयकारा नेताओं का लगता है, जयकारा विधायकों का लगता है, जयकारा अमेरिका का लगता है, जयकारा प्रधानों का लगता है। हम ठाकुर हैं, हमरे नाम की पूजा होती है। आज के बाद चौपाल में आना तो पूजा की थाली लेकर आना। आज के बाद हम लोग जयकारा नहीं लगाएंगे। आज के बाद जयकारा ना लगाओ, लोहबान अगरबत्ती सुलगाओ। अरे बनवारी लाल, हम देवता भवानी हुई कार, हमारी पूजा होगी। ठाकुर मारक सिंह की, हे राम जाधव, ठाकुर साहेब, ठाकुर साहेब, ठाकुर साहेब, ये बताओ हमारे इस सेवतिया गांव इलाके में हमरे नाम की कोई बगावत तो नहीं करता, हमरे खिलाफ कोई आवाज तो नहीं उठाता? मालिक, किसकी माजाल है, किसकी माजाल है जो आपके खिलाफ कोई आवाज उठाए? अगर कोई आपके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। अरे जब हंसना नहीं आता तो साले किकी किकी की हंसता है। लंबरदार, तुम ही लगा देख के हमें छूट जाता, हमको देखकर छूट जाती है, हमें तो देखकर किसी किसी को तो लाइटिंग छूट जाती है। हमारी सेवतिया इलाके में रंगबाजी हमारी है, जमींदारी हमारी है, गुंडई हमारी है। हमरे खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसके गले में फांसी का फंदा, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, सजाए मौत दी जाती है। ये बताए जी मालिक, हमरा बेटा रूपा सिंह आजकल कॉलेज जाता है या नहीं? मालिक, कॉलेज बराबर जाता है। जाते हैं? हाँ मालिक। और ये भी देख रहा हमारा बेटा हमारे इस सेवतिया गांव में जी मालिक, उसकी बराबरी का कोई नहीं है, कोई नहीं है। उसे देखकर लोग रास्ते छोड़ देते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं। और देखना जब हमारा बेटा रूपा सिंह आएगा तो अपनी अपनी जुबान संभाल के रखना, गलत जुबान चलाने वाले को वो जुबान उसकी कटवा कर कुत्ते को खिला देता है। तुम तो जानते हो गिरधारी लाल, जब से हमारे ठाकुरान साहिबा का देहांत हो गया तब से रूपा सिंह को बहुत चिंता रहती है, क्योंकि वो उसकी माँ थी। चिंता तो हमें भी रहती है, लेकिन अपने सेवतिया गांव में जितने भी किसान रहते हैं सब हमारे यहाँ से कर्ज ले जाते हैं। नहीं मालिक, आप ही के यहाँ से कर्ज ले जाते हैं। किसानों के लिए हम भगवान हैं। यहाँ के आप भगवान हैं और हम लोग यहाँ के हनुमान हैं। भगवान के सेवक तो हनुमान है, तभी तो तुम लोग हमारी सेवा करते हो। जाओ देखो रूपा सिंह क्या करता है।
जाओ जाकर पता लगाओ। आओ बेटा रूपा सिंह, आओ रूपा सिंह, आज क्या बात है? डैडी बात तो सब ठीक है, पर ये बताओ। बोलो बेटा। हम कुछ कहना चाहते हैं। आखिर क्या कहना चाहते हो बेटी? तुम तो हमारी इकलौती बेटी हो, साफ से कहो। इसका मतलब इजाजत है। हाँ बेटा बोलो। तो दीदी के चरण में लाडला झुकावी शीश, और पितृ बढ़े सम्मान हो। खुशहाल रहो बेटे, खुशहाल रहो। और पितृ बढ़े सम्मान हो, दीजिए मुझे आशीष। बेटा रूपा और मेरा सर करने को जी चाहता है, मेरा सर करने को जी चाहता है। डैडी मैं इसीलिए आया हूं। बोलो बोलो। सर करने का इरादा है मेरा, मेरा सर करने को जी चाहता है। इजाजत जो डैडी यही चाहता है, इजाजत तो डैडी। बेटा रूपा सिंह, कहिए डैडी, तुम सैर करना चाहते हो? सैर करना चाहता हूं। रूपा सिंह जाए, साथ से जाओ और सैर करो, जहां भी जी चाहे वहां जाओ। तुम्हारे लिए तो ये तुम्हारा डैडी जी जहान लगा देता है। डैडी ट्रेन आने वाली है और हम लोग बहुत दूर जाना चाहते हैं। तो ठीक है बनवारी लाल, डैडी डैडी इसको समझा दो साले को। इधर आ रही, इधर आ, आगे बढ़। क्या रे, हमारा बेटा रेल से जाएगा, अब तू क्या कह रहा है साले? इतनी बकुली मारूंगा साले, इतनी बकुली मारूंगा कि हाथ पैर सब टेढ़े हो जाएंगे। रूपा
क्या है डैडी? तुम इसे समझा सकेगा? हम इसको समझा देंगे। अगर ये तुम्हें गलत वर्ड निकालता है तो इसकी जुबान साले की सीधी कर दो। डैडी अब मेरे जाने का समय हो रहा है। तो जाओ बेटा जाओ 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 सदा तो मेरे साथ आओ। चलो घूम जाओ। अब हमारा बेटा रूपा सिंह सैर करने गया है। सैर करने? और मैं चलता हूं चौपाल में। ठीक है मालिक। अगर कोई गरीब किसान आता है, अच्छा अच्छा, किसी को कोई कष्ट होता है तो तुम उसे हमारे पास लेकर के आना। ठीक है मालिक। ठीक मैं चलता हूँ। ठीक है। तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पे सख्त रहेगी। ठीक है मालिक, हम ड्यूटी करेंगे। भैया हो रहे हो? राम राम। भैया हो रहे हो? हमका तो ना जाना थो हो, हम यही बगल वाले पुरवा में रहे थे। चस्पात की जान, हमार नाम है भैया। हमे पास एक ठे बिटवा है, हमार मेहरिया है। हम खेती बाड़ी करे थे भैया, जानते हो धान वान हो गया है। ये लड़कवे नहीं आए, दादा चौपाल दे रहा हूँ। जय राम बेटवा जय। अरे दादा तुम्हें जूड़ी गड़े का? अरे बेटवा अब तो ठंडी पर गए। ठंडी पर गए? ठंडी लागा था। हाँ बेटवा जाऊँ कहा थी, ठंडी लागे लाग। चलो फिर तुमका कौनो खरही फूंक दे चले वही। खरही नहीं बेटवा, पैरा। हाँ वहाँ पैरा फूंक दे, तपा दे, तुम्हारा जाड़ छूट जाए। अरे बेटवा दो चार दिन से कहाँ रहे हो? ये सहित पर काम बहुत जोरान है काका। अरे दादा पूछो ना, सहित पर कटिया बहुत जोरान है। ओ बे ये बता कुछ रखे हस? कहा दादा का प्याज देते ही जड़ान है इनके ठंडी छूट जाए। अरे लगे नहीं काका। कहा काका राम राम। जय राम बेटवा, सिया राम, जय राम। हम कहा काका मर गए हैं, जाई हम तई मिली आई जाए। कहा बेटवा? हम सारे काका मर जाते साले। देखो काका यहाँ समूचे खड़े हैं बाबू का कुंदा। हाँ यार हम आए तो यहाँ देखा समूचे खड़े हैं। अच्छा सुने हो ये गए? हाँ हम सुना कि काका मर गए हैं। अबे काका मर जाती तो यहाँ खड़े होते। अरे बेटवा यहाँ का आवाज कर, ठंडी छोड़ा दियो। अरे बेटा बीड़ी गाजा ऐसे तबियत बीमार रहा था। तबियत बीमार रहा कि तबियत खराब रहा था? हाँ बेटा जो कहा थी बीड़ी हमें खातिर न जलाए। ओ काका वही दिन तुमका देखा जब हुआ उतरे रह रामगंज में, तभी हुआ ऑटो से कहाँ चले गए रहे? वही नहरिया पर गांजा लावे। अरे बेटवा हुआ कह रहे दवाई लावे। हम तुमका देखत रहन हमका चूतिया ना बनाओ काका। अरे बेटवा वे नहरिया पर की कह रहा है मोहंगवा। अरे ये बीड़ी कौन आ बेटवा? बहुत गटाई में लागा था। परी? अबे सुंदर परी हुई, सुंदर परी मारती दवा दबे आऊ का परी। परी नहीं चले हुआ मोल लेके इनको बता दो परी बीड़ी है। अब हम लेके चले आए रहने के बंडल। अरे बेटवा तू भूख लगाए तो कुछ धुआं समझ पावा। नीक लागा लाग।
हाँ फ्री का मिलवा था तो नहीं लगवा गई रे। आ बैठ के पिया जा, चला बैठ कर पिया। आ बतलावा दो ये बीड़ी गांजा पिया तो बैठ के अकी तो चौधरी आए क्या कह दियो भाई, कौनो घरों का शंका फिक्र रहा था कि नहीं तुमका? घर का शंका फिक्र रहा है, मिल गए दोनों बहन तू। अच्छा हाल चाल पूछे लागे। अरे बेटवा नाम बताया था भाई तो गिरधारी लाल। लड़कन का भाई आवे थी तो फिर बातचीत करे थे। अरे देखा जब लड़का होगा छोड़ दिया, लड़का आवे तो उनसे कुछ बताया ना। अच्छा अरे बने रहो बेटा ठीक है। तो ठीक है, ये बताओ कब से तुम सोटा पकड़े लगे? अरे अब बूढ़ी अवस्था में सोटा पकड़े इनके पड़ा था बेटा। अरे काकी हमारे पहुंचे, बने रहो ठीक है। अब कहे जगाड़े और तो कहा पहुंचो तो माटी नहीं जाए हमारा पहुंची का। अरे पाए लागी तब वो ठीक है तो कहा दे काकी हमारो पहुंचे कहा। ठीक है बेटा सब यही तरह जो जिया थे। हाँ ठीक है काका के हाल चाल ले लियो। ये काका के का हाल चाल ले, इनके तबियत वबियत सही नहीं रहते। अब की तो चौराहे फट जाई है, वही चौराहे पर वही कहूँ कौने गंजहा लगे कहूँ कौने दरवा लगे तो यही तरह काम कर बेटा। इनके कुछ नहीं आवे घर के तो बिल्कुल लेसन का फिक्र नहीं करते। काका का ध्यान दिए रावा करे देखो तो काका के चेंज चीज का। अरे ये वही गांजा मामा झुरा जाती बेटा वा। इनका सब काका झूला कहा, इनका गांजा है सब ये बटोरे दिया। अच्छा काका का गांजे दिया था गांजा कई कहा दोनों लकड़ी बंधवा दियो काका। अरे बेटा वा तू तो बुढ़ीवा के चक्कर में पड़े हैं गांजा दारू ली है। बुढ़ीवा के चक्कर में हम भरे हैं कि तुम भरे हो बैलाए गए वा। हम तो पड़े नहीं काका तुम्हारे देखो झुरहा पकड़े है। अब एक दिन चलो हम तुमका किरही नरवन नौहाय लाई चले। अरे बेटवा जहाँ ले चला चला मोए मौला जो धान का ले जाओ पढ़ियाना नौहाय लाई। चलो अच्छा ठीक है चुप्पे बैठो और लड़का आवे तो फिर हाल चाल हो जाए। बापू हे मां राम 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 हाँ सब अच्छा है। हे बापू हम आपसे कुछ कहना चाहते। अरसिया रानी कमले मैं आपके लाली झुकाए सी चरण कमल में आपके
लाल झुका ये शीश, और यही मुझे आशीष दो, खुश रखे जगीदी। और जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल, और यही तेरी सारी मनोकामना पूरी करे भगवान। बापू आखिर आज बात क्या है, माँ क्यों इतने उदास बैठी है? अरे बेटवा तो हर माँ एक खातिर उदास है कि आज घर पर खाना वाना कुछ बना नहीं ना सवेरे से। क्या? हाँ बेटवा, सुबह से कुछ खाना वाना नहीं बना, घर पर कुछ भी नहीं बना है बापू। ना है बेटवा। या भगवान, आज हमारे घर पर कुछ भी नहीं बना है। मेरी मैया क्यों बैठी गमगीन हो, मेरी मैया क्यों बैठी। मेरी मैया क्यों बैठी तुम गमगीन हो, आज घर पर हमारे कुछ बना क्यों नहीं। बात क्या है मुझे सच्चे बता दीजिए, अश्क आंखों से आज क्यों बह रहे। माँ आखिर तेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? माँ अपने घर में आज कुछ बना क्यों नहीं है? माँ क्या बात है? बेटा घर में कुछ है नहीं है, एक दाना भला मैं क्या बनाऊं? कुछ भी नहीं है माँ। नहीं बापू, अगर हम लोग ऐसे रहेंगे तो कब तक जिएंगे बापू? कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा बापू। हाँ बेटवा, व्यवस्था तो करे पड़वे करी। कहीं से भी व्यवस्था करिए बापू, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। चला ठीक है बेटवा, हम जाए थे लंबरदार के घर। और वहाँ क्या करने जाओगे बापू? अरे वहाँ एक दो घंटा काम कर दे दोपहर भर, पैसा वैसा मांग ले। ठीक है बापू, जल्दी जाओ और जल्दी ही आना, क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ बेटवा, भूख तो लगता है। ठीक है बापू। माँ चलो, माँ बापू गए हैं लंबरदार के हैं, और अभी जब पैसे लेकर आएंगे ना तो हम कुछ खरीद के लाते हैं और तुम चलकर खाना बनाओ। आओ माँ। माँ आज मैं सारी दुनिया को बता दूंगा माँ कि हमारी माँ कितनी अच्छी है। एक बात बताऊं तुझे? क्या बात है बेटा?
तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ। ये जो दुनिया का, ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, हो लगी है माँ तेरी आँखियाँ, तेरे लिए मैं जागा हूँ सारी सारी रातियाँ, दुखने लगी है माँ तेरी आँखियाँ, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतियाँ, मेरी नंदियाँ पे हो अपने